प्रिय मित्रों, शुभ आशीर्वाद। आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मेरी ईश्वर से ही प्रार्थना। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस आस्था प्यार के साथ आप लोग मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपना विचार दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आज आपको एक बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। गुरु राहु ग्रह की युक्ति कुंडली के प्रत्येक भाव में कैसा खेलता है, खेल क्या प्रभाव देता है, क्या हानि देता है, क्या लाभ देता है, जिसके लग्न में गुरु राहु की युक्ति हो, ऐसे लोग बुद्धिजीवी होते हैं, मेहनती होते हैं, लगनशील होते हैं। जिसके दूसरे भाव में गुरु राहु हो, ऐसे लोग आर्थिक परेशानी रखते हैं, दिमाग चलायवान होता है, स्थिर नहीं होते हैं, किसी पर विश्वास नहीं रखते। जिसके तीसरे भाव में गुरु राहु की युक्ति हो, ऐसे लोग बुद्धिजीवी होते हैं, ऐसे लोग सामाजिक सेवा करते हैं, ऐसे लोग माता पिता के सेवा करते हैं, ऐसे लोग उदार होते हैं, दयालु होते हैं। जिसके चौथे भाव में गुरु राहु की युक्ति हो, ऐसे लोग प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, उद्योगपति बनते हैं, राजनेता बनते हैं। जिसके पाँचवें भाव में गुरु राहु, ये पूर्ण विद्वान होते हैं, अच्छी शिक्षा पाते हैं, अपनी विद्वता, अपनी कला, अपने व्यवहार के द्वारा अपना करियर बनाते हैं, पूजे जाते हैं। जिसके छठवें भाव में गुरु राहु की युक्ति हो, ऐसे लोग चैतवान होते हैं, ऐसे लोग कभी जेल नहीं जाते हैं, कभी केस मुकदमा नहीं लड़ते हैं, शत्रु को भी अपना मित्र बनाते हैं। जिसका सातवें भाव में गुरु राहु की युक्ति हो, ऐसे लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, ऐसे लोग अंधविश्वासी होते हैं, ऐसे लोग संकित विचार के होते हैं, कभी भी जीवन में इच्छानुसार उन्नति नहीं कर पाते हैं। जिसके आठवें भाव में गुरु राहु हो, ऐसे लोग स्वास्थ्य के कारण हड्डी के रोग से परेशान रहते हैं, आँख के रोग से परेशान रहते हैं, दिमागी रोग की वजह से परेशान रहते हैं। जिसके नौवें भाव में गुरु राहु हो, ऐसे लोग राजनेता बनते हैं, उच्च अधिकारी बनते हैं, प्रथम श्रेणी के IAS IPS बनते हैं। जिसका दसवें भाव में गुरु राहु हो, ऐसे लोग नौकरी में सस्पेंड हो जाते हैं, व्यापार में घाटा खाते हैं, राजनीति में असफल हो जाते हैं। जिसके ग्यारहवें भाव में गुरु राहु हो, ये अक्षमातिक उन्नति करते हैं, अक्षमातिक धन पाते हैं, गुप्त धन भी प्राप्त करते हैं। जिसका बारहवें भाव में गुरु राहु हो, ऐसे लोग सोचे हुए जीवन के अधिकांश काल को पूरा कर लेते हैं, इनका जीवन सफल होता है, कभी कर्जदार नहीं होते हैं, कभी इनका चरित्र खराब नहीं होता। ये छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसे सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मेरे प्रत्येक प्रोग्राम में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, आप संपर्क कर सकते हैं। कोई मित्रगण अपनी कुंडली का मुझसे विश्लेषण करने की इच्छा रखता है तो मेरे फ़ोन पर संपर्क करिए, मेरे नियम का पालन करेंगे तो मैं विवेचन कर दूँगा। मेरा फ़ोन नंबर 9425308111 है। इतना कहते हुए मैं प्रोग्राम को समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार, शुभ आशीर्वाद।